दोस्तों ब्रॉडबैंड क्या है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन क्या होता है, ब्रॉडबैंड के एडवांटेज डिसएडवांटेज, उसके साथ साथ आपको ब्रॉडबैंड लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, ये सारी बातें वीडियो में डिटेल में बात करने वाले, तो वीडियो के अंत तक जरूर से बने रहेगा। मैं हूं जैसे एक आप देख रहे हैं हमारे चैनल एक्सप्लेनिंग बंदा। पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कि ब्रॉडबैंड क्या होता है, तो हम यहाँ पर एग्जांपल लेके चलते हैं जियो का। तो जियो ने क्या करा है कि जो भी उनकी फाइबर की लाइन है वो काफ़ी सारे एरिया के अंदर बिछा के रखी है। अगर आपको जियो का कनेक्शन चाहिए होगा तो आप दोस्तों जियो का कनेक्शन बुक करेंगे एंड देन फिर दोस्तों जो उनकी मेन लाइन होगी वहाँ से दोस्तों आपके घर तक एक लाइन खींच ली जाएगी एंड आपका जो भी इंटरनेट होगा उसका सेटअप करके आप फिर उसको यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर दोस्तों एक आपको लाइन दी जाएगी जो आपके पीसी के अंदर जाएगी या फिर लैपटॉप के अंदर जाएगी, जो आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको एक सिंपल भाषा में समझाऊँ कि जो इंटरनेट आपके घर एक वायर के थ्रू आ रहा है उसे हम ब्रॉडबैंड कहेंगे। यहां पर लोग काफी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर जो लाइन है उसकी थ्रू इंटरनेट आ रहा है तो क्या उसका यूज़ हम फोन के अंदर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, फोन के साथ साथ आपके जितने भी वाईफाई सपोर्टेड डिवाइस है उसके अंदर आप कर सकते हैं, लेकिन आपको करना क्या होगा कि जो लाइन आपको पीसी के अंदर डालने के लिए दी गई थी या फिर लैपटॉप के अंदर डालने के लिए दी गई थी वो सिंपली आपको डालने होगी एक राउटर के अंदर, फिर दोस्तों जो आपका ब्रॉडबैंड होगा वायरलेसली भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी ऐसी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आप एयरटेल है या फिर जियो है, ऐसे काफ़ी सारे प्रोवाइडर जो आपको एक राउटर भी उनके साथ देते हैं एंड आपको वायरलेसली भी जो है ब्रॉडबैंड को जो है वो सपोर्ट करके मतलब आपको सेटअप करके दे देंगे जो आप इसलिए भी उसका यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि ब्रॉडबैंड के एडवांटेज क्या है एंड डिसएडवांटेज क्या है। तो पहले हम एडवांटेज के बारे में बात करेंगे। तो पहला एडवांटेज ये दोस्तों कि ये काफ़ी सस्ता होता है ब्रॉडबैंड। दोस्तों काफ़ी सस्ता होता है अगर हम उसको कंपेयर करते हैं वाईफाई के तौर पे, आपके जितने भी एरिया के अंदर मतलब जो आपके एरिया है उसके अंदर जितने भी वाईफाई प्रोवाइडर है उसके प्राइस आप देखें, फिर दोस्तों उसको आप कंपेयर कीजिए जो भी साइट्स है उनको, जो ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर उनकी साइट्स पर जाकर आप प्राइस को कंपेयर कीजिए, आपको पता चलेगा कि जो ब्रॉडबैंड की प्राइस है वो वाईफाई की प्राइस से काफ़ी ज़्यादा कम होती है एंड दोस्तों आपको काफ़ी और चीज़ें भी उसके साथ देखने मिल जाती है। तो दोस्तों ब्रॉडबैंड जो है वो काफी सस्ता होता है, ये उसका एक एडवांटेज है। तो दोस्तों दूसरा एडवांटेज ये है कि आपको काफी सारे एडिशनल एंड ओटीटी सब्सक्रिप्शन देखने मिल जाते हैं। जैसे कि हमने बात की थी जियो के एग्जांपल की, जियो के अंदर अगर आप 1000 से ऊपर वाला प्लान लेते हैं तो आपको काफी सारे ऐसे ओटीटी सब्सक्रिप्शन देखने मिल जाते हैं। अगर आप वेब सीरीज देखते हैं अलग से उनके जो है वो प्रीमियम बाय करते हैं तो फिर यहां पर आपको बाय करने की जरूरत नहीं रहेगी, उसके साथ ही आपको फ्री में देखने मिल जाएगा। उसके साथ साथ दोस्तों आपको अनलिमिटेड कॉलिंग का भी देखने मिलता है एंड काफी सारे एडिशनल चीजें जो है वहां पर आपको देखने मिल जाती है। तो ये एक जो एडवांटेज बनता है अगर आप ब्रॉडबैंड बाय करते हैं। तो तीसरा दोस्तों कि आपको जो अनलिमिटेड डेटा देखने मिलता है, काफी सारे ऐसे वाईफाई प्रोवाइडर है जो आपको लिमिटेड कैप देते हैं, उसके बाद आपको दोस्तों जो एडिशनल पे करना होता है या फिर दोस्तों आपकी जो स्पीड होती है वो काफी कम हो जाती है। लेकिन दोस्तों ज्यादातर जितने भी ब्रॉडबैंड आते हैं उसके अंदर आपको स्पीड जो काफी ज्यादा देखने मिलती है और दोस्तों जो डेटा होगा वो भी आपको अनलिमिटेड देखने मिलेगा। आपके अंदर जितना दम हो, जितनी मूवीज देखनी हो, जितनी मूवीज डाउनलोड करनी हो वो सारा कर लीजिए, आपका डेटा वो कभी खत्म नहीं होने वाला। तो ये उसका तीसरा एडवांटेज बनता है। तो चौथा दोस्तों हमारा एडवांटेज है कि आपको स्पीड है वो काफी ज्यादा देखने मिलती है। स्पीड इसीलिए ज्यादा देखने मिलती है दोस्तों कि उसके अंदर कोई भी रुकावट नहीं आने वाली, जैसे वाईफाई होता है तो वाईफाई जो वायरलेसली होता है, वायरलेसली होने की वजह से बीच में हो सकता है दोस्तों कि जो बारिश की वजह से या फिर ऐसी हवा ज्यादा तेज होने की वजह से जो आपका वायरलेसली है वो सिग्नल के अंदर थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो आपकी स्पीड काफी ज्यादा घटने लगती है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो स्पीड है आपको काफी कंसिस्टेंट एंड दोस्तों स्टेबल स्पीड देखने मिलेगी, उसके साथ साथ हाई स्पीड भी आपको यहाँ पर देखने मिल जाती है। इसका चौथा एडवांटेज बनता है। यहाँ पर दोस्तों एडवांटेज इतने ही, अगर आपको कोई एडवांटेज लगता है इसके अलावा भी तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं एंड वीडियो यहां तक आप देख रहे हैं तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इसका डिसएडवांटेज क्या है। तो डिसएडवांटेज में भी दोस्तों पहला डिसएडवांटेज ये है दोस्तों कि जो लाइन है वो सारी जगह नहीं है, यानी कि दोस्तों हो सकता है कि आपके एरिया के अंदर वो ब्रॉडबैंड अवेलेबल ना हो। जैसे कि मैं जियो की बात करता हूं तो जियो हमारे वहां अवेलेबल है लेकिन एयरटेल हो सकता है ना अवेलेबल हो। तो यहां पर दोस्तों ऐसा हो सकता है कि आपके एरिया के अंदर जो आपको इंटरनेट चाहिए होगा, ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर चाहिए होगा, वो अवेलेबल ना हो, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज बनता है। लेकिन आप अपने एरिया के अंदर दोस्तों थोड़ा बहुत सर्च करेंगे तो आपको कोई ना कोई ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर तो 100% मिल ही जाएगा। फिर भी दोस्तों ये काफी सारे से लोगों को ऐसा होता है कि हम सिर्फ जियो का लगवाएंगे या फिर एयरटेल का लगवाएंगे तो हो सकता है आपको वो अवेलेबल ना मिले, तो ये उसका एक डिसएडवांटेज बनता है। दूसरा दोस्तों के दूसरा डिसएडवांटेज है कि कभी कभी आपको लाइन का कॉस्ट देना पड़ सकता है। जैसे मैंने आपको बताया इंट्रो के अंदर की जो इनकी लाइन होती है मेन लाइन, वहां से आपके घर तक एक लाइन खींची जाती है तो इनकी दोस्तों कुछ ऐसी कंडीशन रहती है कि 100 मीटर या फिर 150 मीटर आपको फ्री में वायर मिलता है, उससे ज़्यादा उनको अगर लाइन खींचनी पड़ती है तो कुछ ऐसा पर मीटर उनका कॉस्ट होता है वो आपको चुकाना पड़ सकता है। ये सारे प्रोवाइडर जो है वो नहीं लेते लेकिन कुछ कुछ ऐसे प्रोवाइडर है जो ये लाइन का कॉस्ट भी लेते हैं, तो ये इसकी दूसरी डिसएडवांटेज बन जाती है। तीसरी दोस्तों की लाइन डैमेज हो जाती है। जैसे आपको पता होगा कि हमारे इंडिया के अंदर कभी भी लाइन जो है वो रोड बन जाने के बाद पता चलता है कि यहाँ से गटर निकालनी थी, फिर दोस्तों जेसीबी की खुदाई चलते हैं, कभी कभी होता है कि हमारे जो भी लाइन्स है वो दोस्तों टूट जाती है, वहाँ पर डैमेज होता है
एंड डैमेज होने की वजह से दोस्तों जो हमारी इंटरनेट है वो दोस्तों वहाँ पर बंद हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो इंटरनेट आ रहा था वो वही लाइन से आ रहा था एंड वही लाइन के अंदर दोस्तों डैमेज होने की वजह से जो हमारा इंटरनेट है वो काफ़ी दिन तक, काफ़ी जो है महीने तक वो दोस्तों हो सकता है बंद रहे। तो ये दोस्तों हमारे लिए काफ़ी बहुत बड़ा, मतलब मेरे हिसाब से बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर आपको पता है कभी ना कभी कोई ना कोई काम चलता ही रहता है रोड पर एंड इसी के कारण हमारी जो लाइन है वो कभी ना कभी डैमेज हो सकते हैं, वो दोस्तों हमारे लिए काफ़ी जो है मुश्किल पैदा कर सकती है। अब दोस्तों ये कुछ ऐसे इसके डिसएडवांटेज है, उसके साथ एक चौथा भी डिसएडवांटेज ये है कि वो जो ब्रॉडबैंड होता है वो फिक्स हो जाता है, यानी कि अगर आपने एक बार लगवा लिया तो फिर दोस्तों आपने एक बार लाइन का कॉस्ट भी कर लिया, सारा कॉस्ट कर लिया एंड समझिए कि दोस्तों आपने कोने के अंदर अपना कंप्यूटर रखा हुआ है एंड फिर दोस्तों आप वो कमरे से दूसरे कमरे में ले जाते हैं, तो वहां से आपको जो दूसरी लाइन खींचनी होगी एंड वो लाइन का कॉस्ट भी आपको देना पड़ सकता है। अगर आप घर को चेंज करते हैं, ऑफिस को चेंज करते हैं, तो वहां फिर से दोस्तों आपको लाइन फिर से नखानी होगी, क्योंकि जो आपका लाइन थी वो आपके घर तक, मेन लाइन से घर तक खींची थी, अब दोस्तों आप अगर चेंज करते हैं तो वहां भी दोस्तों आपको लाइन खींचनी होगी, उसके अंदर देर हो सकती है, उसके अंदर दोस्तों आपको हो सकता है एडिशनल कॉस्ट देना पड़ सकता है, तो ये भी उसका एक डिसएडवांटेज बनता है। अब दोस्तों एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की बात तो बहुत हो गई, अब हम बात करते हैं कि आपको ब्रॉडबैंड कब लेना चाहिए कब नहीं लेना चाहिए। अगर दोस्तों आपको कम पैसे के अंदर स्पीड चाहिए, अगर दोस्तों आप घर नहीं चेंज करते एंड आप OTT सब्सक्रिप्शन लेते हैं एंड आपको हाई प्लान भी चाहिए, तो फिर दोस्तों आप ब्रॉडबैंड के साथ जा सकते हैं एंड अगर आप घर के लिए यूज़ करते हो फिर भी आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि आपको उसके अंदर अनलिमिटेड कॉलिंग भी देखने मिल जाते हैं। 400 रुपये के अंदर 30 Mbps आपको जो है प्लान देखने मिल जाता है, जो आपको आराम से 4-5 Mbps की स्पीड निकाल के दे सकता है। अगर आप ये 30 Mbps एंड 4 Mbps के अंदर कन्फ्यूज हो रहे थे, आप ये वीडियो जाके जो देखे, मैंने आपका बहुत अच्छे से समझाया स्पीड के बारे में, तो आपके लिए ब्रॉडबैंड बेस्ट रहेगा। एंड दोस्तों सेकंड दोस्तों कि आपको ब्रॉडबैंड कब नहीं लेना चाहिए, अगर दोस्तों आपका वाईफाई जो ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर है वो आपको अच्छी सर्विस नहीं दे रहा एंड दोस्तों जो आपको प्लान है वो दोस्तों आपके हिसाब से नहीं है, आप बार बार अपनी जगह को चेंज करते हैं, आपके यूजर काफ़ी ज़्यादा है, तो फिर दोस्तों आप ब्रॉडबैंड के साथ मत जाइए, आप फिर वाईफाई के साथ जा सकते हैं। एंड दोस्तों ये वीडियो के एंड तक आपको ये पता चल गया होगा कि आपको वाईफाई ब्रॉडबैंड लेना चाहिए फिर नहीं लेना चाहिए एंड इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में भी काफी अच्छे से समझ आ गया होगा। यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही टेक्नोलॉजी को आसान से समझने के लिए और काफी अच्छे से दोस्तों हम समझाते हैं। अगर हमारा आपको तरीका पसंद आता है तो नीचे हमें कॉमेंट करके बताइए, आपकी फीडबैक हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण रखती है, तो नीचे हमें कॉमेंट करके जोर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।